नमस्कार। अध्याय 4 प्रतिरक्षा वृक्ष समूह। अभी टेस्टों के बाद थोड़ा सा गैप देके क्लास हो रही है, बीच में टेस्ट आ गए थे आपके अध्याय। इसमें हमने क्या है कि पिछली क्लास में प्रतिजन के बारे में पढ़ा था, एंटीजन के बारे में, और अब हम थोड़ा सा एंटीबॉडी के बारे में पढ़ा था, थोड़ी सी परिभाषा पढ़ ली थी, एक दो लाइन है, तो उसका हम डिटेल यहां पर आज पढ़ेंगे, एंटीबॉडी प्रतिरक्षी के बारे में। ठीक है, तो अभी हम पढ़ना है प्रतिरक्षी। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि जो प्रतिरक्षी होते हैं, ये प्रतिरक्षी जो एंटीजन होता है, जो प्रतिजन होता है, उसके अगेंस्ट बनते हैं। जब कोई बाह्य प्रतिजन, कोई बाह्य कारक, रोगजनक कारक हमारे शरीर पर जब अटैक करता है, तो उसके अटैक को रोकने के लिए क्या बनते हैं, हमारे शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। इसमें हमने पढ़ लिया था कि ये इम्यूनोग्लोबिन बोलते हैं इन्हें, ठीक है, क्या बोलते हैं संक्षिप्त में, इम्यूनोग्लोबिन। ठीक है, तो इम्यूनोग्लोबिन आईजी लिखते हैं, क्या है आईजी। अभी हम लिखेंगे नाम जैसे आईजीए, आईजीई, आईजीएम सर लिखेंगे, तो इनको संक्षिप्त में बोला जाता है इम्यूनोग्लोबिन, और शॉर्ट में लिखते हैं इसको आईजी। किससे लिखते हैं, आई कैपिटल और जी स्मॉल, इससे यहां पर इसको प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, ये होता क्या है, ये गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है, एक प्रोटीन होती है गामा ग्लोबुलिन, कौन सी है गामा ग्लो, ये भाई सा लग रहा होगा आपको, मैं इसको गामा बना देता हूं, ये लो, ये गामा एक चिन्ह है, प्रतीक है गामा, तो गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन है जो रक्त में और शरीर में जो अन्य तरल पदार्थ है उनमें पाई जाती है। क्या है ये गामा, गामा ग्लोबुलिन। तो ये शरीर में जो तरल पदार्थ और ब्लड और जो रक्त है उसमें उपस्थित होती है। ठीक है, अब इसमें हमने एक बात और पढ़ा था पैराटॉप, तो ये क्या है कि जो प्रतिरक्षी का वह भाग होता है, एंटीबॉडी का वह भाग होता है जो एंटीजन से अटैच होता है। वहां हमने एक शब्द पढ़ा था एपिटॉप, और यहां पर पढ़ रहे हैं पैराटॉप। वहां तो था एपिटॉप, ये एपिटॉप यहां पर किससे अटैच हो जाएगा, पैराटॉप से अटैच हो जाएगा। यहां क्या बोलेंगे इसको, ये तो है एपिटॉप और ये है पैराटॉप, एपिटॉप और पैराटॉप। ठीक है, यहां ये एक दूसरे से क्या है कि अटैच होंगे और क्रिया करेंगे, मतलब इनको खत्म करने का काम है, जो जो ये तो होगा एंटीबॉडी में, ये होगा एंटीजन में, ये इसको खत्म करेगा, तो इसका पैराटॉप वाला भाग इससे जुड़ेगा एपिटॉप से, और जुड़ करके क्रिया करेगा, और क्रिया करके वहां पर उसको नष्ट करने के कार्य करेंगे। ठीक है, तो ये तो एपिटॉप और पैराटॉप। अब हम देखते हैं प्रतिरक्षी की संरचना, इसकी संरचना कैसी होती है, तो देखिए प्रतिरक्षी लिखा हुआ ही है संरचना, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, तो देखो संरचना में सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनका आकार वाई अक्षर की तरह होता है। कैसी होती है प्रतिरक्षी, वाई अक्षर की तरह की होती है, इनका आकार वाई अक्षर की तरह होता है। वाई अक्षर की तरह होता है, वाई अक्षर की तरह की होती है। ठीक है, तो एक एक पॉइंट से आप नोट करते चले जाएंगे। अगला पॉइंट है इसकी कुल 4 संरचनात्मक इकाई होती हैं। कुल 4 संरचनात्मक इकाई होती हैं
जिनमें से दो भारी व बड़ी होती हैं। दो भारी व बड़ी मतलब हैवी, एच यहां पर वर्ड यूज किया गया है, वह दो हल्की व छोटी, एल लाइट वर्ड। दो तो भारी और बड़ी होती है और दो हल्की और छोटी होती है, वर्ड यूज किया गया है एल फॉर लाइट। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। श्रृंखला किसकी होती है? पॉलीपेप्टाइड्स की। जिनमें से दो तो भारी और बड़ी, दो छोटी और हल्की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती है। ठीक है, भारी बड़ी हो गई और हल्की और छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हो चुकी हैं। अगला क्या होगा? एक एक भारी श्रृंखला, एक भारी एवं एक हल्की श्रृंखला मिलकर एक भारी एवं एक हल्की श्रृंखला मिलकर के जब दोनों श्रृंखलाएं मिलेंगी तो एक द्विलक बनेगा और उस द्विलक को कहते हैं एच एल द्विलक। मिलकर एच एल द्विलक बनाती हैं, एच एल द्विलक का निर्माण करती हैं, हैवी एंड लाइट। अब जब दो द्विलक मिल जाते हैं इस तरह के तो एक पूरी की पूरी श्रृंखला का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, तो दो द्विलक मिलकर के एक पूरी प्रतिरक्षी श्रृंखला या एक प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं। दो द्विलक मिलकर एक प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं, दोनों मिलेंगे और एक प्रतिरक्षी बना देंगे। अब जो एक प्रतिरक्षी होता है ना उसके दोनों अर्धांश इस तरह से देखो, वाई की संरचना है ना, तो ये दोनों अर्धांश हैं इसके, ये दोनों अर्धांश आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, तो दोनों अर्धांश जिस संरचना से आपस में जुड़े होते हैं उसे डाइसल्फाइड बंध कहा जाता है। किससे? डाइसल्फाइड बंध। तो प्रतिरक्षी के दोनों अर्धांश डाइसल्फाइड बंद से जुड़े रहते हैं। प्रतिरक्षी के दोनों अर्धांश डाइसल्फाइड बंद से जुड़े रहते हैं। अब जो भारी श्रृंखला है, ठीक है, ये भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है, इसमें तो 440 अमीनो एसिड्स होते हैं और जो हल्की है उसमें 220 अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, तो भारी श्रृंखला में
440 अमीनो अम्ल एवं हल्की श्रृंखला में 220 अमीनो अम्ल होते हैं। कितने? 220, एक में 440 और एक में 220। जो प्रत्येक भारी और हल्की संरचना है, ठीक है, इसमें से प्रत्येक भारी और हल्की श्रृंखला जो संरचना है वो दो श्रृंखलाओं में विभक्त होती है। प्रत्येक भारी एवं हल्की श्रृंखला दो भागों में विभक्त होती है। दोनों के दोनों में दो दो भाग होते हैं, इसमें भी दो भाग और इसमें भी दो भाग, भारी में भी दो और हल्की में भी दो। ठीक है, दो होते हैं, एक तो होता है अस्थिर भाग और दूसरा होता है स्थिर भाग। कौन से हो गए? एक तो अस्थिर और दूसरा हो गया स्थिर भाग। देखो, पहले बात करते हैं अस्थिर की भाग की। तो ये जो श्रृंखला है, उस श्रृंखला के जो एमीन वाला भाग है, NH2 एमीनो ग्रुप वाला भाग है, उस ओर पाया जाता है। तो पहले हम बात कर रहे हैं अस्थिर भाग। यह श्रृंखला के NH2 समूह, श्रृंखला में जो NH2 समूह है उसकी तरफ पाया जाता है।
एनएच टू समूह एनएच टू अंश की ओर पाया जाता है, अस्थिर भाग। यह प्रतिजन से क्रिया करता है, प्रतिजन से क्रिया करने का काम भी यही भाग होता है, यह प्रतिजन से क्रिया करता है। और इसका एक दूसरा नाम भी है एफ ए बी, इसे एफ ए बी भाग भी कहते हैं, एफ ए बी भाग भी कहते हैं। दूसरा है स्थिर भाग, यह है श्रृंखला के सी डबल ओ एच अंश की ओर, एसीटेट अंश की ओर पाया जाता है। सी डबल ओ एच अंश की ओर पाया जाता है स्थिर वाला भाग। इसका दूसरा नाम एफ सी भाग भी कहते हैं, इसे एफ सी भाग भी कहते हैं, इसका नाम एफ सी भी है। तो ये तो इनके दो भाग हो गए, एक तो अस्थिर भाग और दूसरा स्थिर भाग। अस्थिर भाग क्या करेगा, ये प्रतिजन से क्रिया करने का काम करेगा, ये प्रतिजन से जुड़ने का काम करेगा, ठीक है। और ये उसकी दूसरी साइड रहेगा, एक साइड है एनएच टू की तरफ तो रहेगा अस्थिर, और स्थिर भाग रहेगा सी डबल ओ एच सिरे की तरफ, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो होती है उस पर कार्बोहाइड्रेट की श्रृंखला जुड़ी रहती है, भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पर कार्बोहाइड्रेट की श्रृंखला जुड़ी होती है। आगे बढ़ते हैं इसमें हम, भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की ओर जो भारी वाली है 440 एमिनो एसिड्स वाली जो है उसकी तरफ कार्बोहाइड्रेट की श्रृंखला जुड़ी होती है। कार्बोहाइड्रेट की श्रृंखला जुड़ी होती है भारी भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की ओ, ठीक है। अब जो जो प्रतिरक्षण के जो 22 स्वरूप हैं, उन 22 स्वरूपों के उद्गम स्थल पर, जो इनके उद्गम स्थल होते हैं, उन उद्गम स्थलों पर क्या है कि वो लचीले होते हैं, और वो उनके उद्गम स्थल लचीले जो इस तरह से देखो यहां ये लचीले होते हैं, और इनको कहते हैं हिंज, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको, हिंज कहा जाता है। और ये हिंज करते क्या है, ये हिंज प्रतिजन से क्रिया कर लेते हैं और प्रतिजन को अपने साथ चिपका लेते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट हम अब लिखेंगे अभी छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखिए ब्रेक से पहले हमने देखा कि जो भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है उस पर कार्बोहाइड्रेट की श्रृंखला जुड़ी रहती है, और यहां पर आपको चित्र भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसमें देखिए हमने दो वाई के आकार की संरचना बनाई है, ये उसका आधा भाग वाई का, इस तरह से जो वाई हमने बनाया था इस तरह का वाई, ठीक है। तो ये वाई का आधा भाग थोड़ा थोड़ा दूर कर दिया मैंने, आधा भाग इधर बना दिया, आधा भाग उधर बना दिया, और यहां पर दो श्रृंखलाएं और लगा दी। ये जो थी बाई की, यहां पर देखो ये तो डबल हो गए, दोनों स्ट्रैंड तो डबल हो गए, लेकिन ये ऊपर वाली डबल नहीं हुई, तो ये भी हमें बाई के लिए डबल करनी पड़ती है इस तरह से। तो ये पूरा बाई बना, ठीक है। और अच्छा दिखाने के लिए मैं उसको थोड़ा सा इसमें चेंज करता हूं कि मैंने इसको यूं बनाया और इसको यूं किया, और यहां पर इस तरह से यूं श्रृंखलाएं बनाई, और इन श्रृंखलाओं को यहां पर इस प्रकार से जोड़ दिया गया। देखो संरचना बन गई इस तरह की। तो ये जो हम एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी इस तरह की संरचना होती है, ठीक है। ये इसका सी डबल ओ एच वाला सिरा है। अभी हम देख रहे थे कि दो सिरे होते हैं, एक सी डबल ओ एच वाला और एक एन एच टू वाला। तो एक तो होता है अस्थिर सिरा और एक होता है स्थिर। तो ये तो अस्थिर वाला एंड हो गया और ये स्थिर वाला एंड हो गया। तो सी डबल ओ एच सिरा और एन एच टू सिरा, भारी श्रृंखला। ये जो है यहां से यहां तक, ये तो है भारी श्रृंखला, और ये हल्की श्रृंखला। इधर जो छोटी छोटी जो बनी हुई है ये है हल्की श्रृंखला, जो पूरी बन रही है वो भारी श्रृंखला है यहां पर, ठीक है। बनाए आप थोड़ा सा इसका आइडिया लें किस तरह से। अब यहां पर देखो ये एस एस बॉन्ड बने हुए, मतलब डाइसल्फाइड बंद बने हुए हैं। तो ये हल्की श्रृंखला और भारी श्रृंखला आपस में किससे जुड़ी हुई है? डाइसल्फाइड बंद से। यहां पर हल्की श्रृंखला, भारी श्रृंखला आपस में डाइसल्फाइड बंद से जुड़ी हुई है, और दोनों भारी भारी श्रृंखला भी आपस में डाइसल्फाइड बंद से जुड़ी हुई है। ये हल्की श्रृंखला है यहां पर, ठीक है। इस तरह से अब ये जो हिंज अभी हमने लिखा था, ठीक है, वो हिंज देखो कहां पर है। ये जो इसके बाई वाले सिरे जो इस तरह से मुड़े हुए हैं, यहां ये लचीले भाग होते हैं, और ये लचीले भाग क्या कहलाते हैं? हिंज। ये लचीले भाग कहलाते हैं हिंज कब्जा, ठीक है, दोनों तरफ इस तरह से। तो ये लचीले भाग हैं इसके, हिंज कहलाते हैं। से लिख लेते हैं कि प्रतिरक्षा का जो वाई स्वरूप है, जो वाई का जो स्वरूप है उसमें देखो क्या होगा, प्रतिरक्षियों के वाई स्वरूप में दोनों भुजाओं के उद्गम स्थल पर कुछ लचीलापन पाया जाता है। दोनों भुजाओं के उद्गम स्थल पर लचीलापन होता है, जिसे हिंज कहते हैं, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? हिंज कहा जाता है। और इसका काम क्या होता है? प्रतिजन से क्रिया करने में सहायता करना। जो प्रतिजन से क्रिया करने में मदद करता है, ये जो हिंज है ये प्रतिजन से क्रिया करने में मदद करेगा। अब आता है अपना हमारा इंपॉर्टेंट बिंदु
प्रतिरक्षियों के प्रकार, जहां से पिछली साल ये प्रश्न बन चुका था और अब आगे भी प्रश्न बनने की वहां से पूरी पूरी संभावना है, प्रतिरक्षियों के प्रकार लिख लें आप पहले तो इसको। चित्र को सिंप्लीफाई किया गया है यहां, ठीक है, सारी चीजें यहां ड्रॉ नहीं की गई हैं। यहां पर ये जो बने हुए हैं ये प्रतिजन क्रिया स्थल हैं, ये जो बने हुए मैंने रेड से इनको शो कर दिया है, ये है प्रतिजन क्रिया स्थल। उस प्रतिजन को बांध के रखना है, उससे क्रिया करनी है, क्रिया करके उसको करना है कि शरीर स्वच्छ बना, स्वस्थ बना रहे, ये है प्रतिजन क्रिया स्थल। ये जो बिंदु है ये दोनों साइड है, उधर भी और इधर भी है, इधर भी बने हुए हैं, ये प्रतिजन, ठीक है, तो इनको बना लें आप। ये है प्रतिजन की संरचना, ठीक है, प्रतिजन क्रिया स्थल और संरचना। अब हम चलते हैं प्रतिरक्षियों के प्रकार। टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, प्रतिरक्षियों के प्रकार में देखिए, ये जो प्रतिरक्षी होते हैं ये कुल पांच प्रकार के होते हैं, कुल प्रतिरक्षी पांच प्रकार के होते हैं, इनके कुछ प्रतीक दिए गए, उन प्रतीकों के आधार पर इनके नाम दे दिए गए, ठीक है। तो प्रतिरक्षी पांच प्रकार के होते हैं, पांच प्रकार के होते हैं, ठीक है, कौन कौन से, आईजीजी, आईजी ए, आईजीएम, आईजीई और आईजीडी, ठीक है, देखो आईजीजी, आईजीए, आईजीई और आईजीएम, ठीक है। अब मैं एक 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 पढ़ेंगे, पहले आईजीएम और आईजी, आईजीई और आईजीडी, प्रतिरक्षी पांच प्रकार के होते हैं, नाम किस आधार पर दिए गए इनके वो दिस समझिए आप, ठीक है। तो इनके जो नाम है ना, वो नाम इनके दिए गए हैं, इनमें जो कुछ श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, जो श्रृंखला पाई जाती है ना, वो श्रृंखलाओं के आधार पर इनके नाम दिए गए, जो भारी श्रृंखला वो किस प्रकार की, कुछ उनके प्रतीक बनाए गए, उन प्रतीकों के आधार पर अल्फा, डेल्टा, ओमेगा, एप्सिलॉन, उसके आधार पर इनके नाम दिए गए हैं, ठीक है। इनके नाम पांच प्रकार की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के आधार पर दिए गए, अब इसको मैं हटा रहा हूं यहां से, पांच प्रकार की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं, ठीक है, लिख लें आप, जो कि कैसी होगी, हैवी, इनके नाम पांच प्रकार के की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं, कैसी है श्रृंखलाएं, भारी श्रृंखलाएं के आधार पर दिए गए, पांचों प्रकार की पॉली, भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का आधार पर इनके नाम दे दिए गए, ठीक है। ये कौन कौन सी होती हैं, एक तो अल्फा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं,
हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन कितनी है टोटल? पांच। कौन कौन सी है? सबसे पहली आती है अल्फा, सबसे पहली का नाम है अल्फा, प्रतीक है इसका इस तरह का। सबसे पहले अल्फा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के नाम, इसके नाम से हम सबको ध्यान रख लेंगे। दूसरी है गामा, पहले नाम लिखता हूं मैं फिर प्रतीक बनाऊंगा। गामा, अल्फा, गामा, ठीक है। गामा के बाद डेल्टा नंबर तीन है, डेल्टा नंबर तीन, डेल्टा, डेल्टा के बाद नंबर चार पर है एप्साइलॉन, एप्साइलॉन, अल्फा, डेल्टा, एप्साइलॉन, एक एक को नाम देखते जाओ, इनके प्रतीक भी देखते जाओ आप, और म्यू नंबर पांच है म्यू। तो ये पांच तरह की भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है, अल्फा पॉलीपेप्टाइड, गामा पॉलीपेप्टाइड, डेल्टा पॉलीपेप्टाइड, एप्साइलॉन पॉलीपेप्टाइड और म्यू पॉलीपेप्टाइड, और इन पांचों के यहां पर प्रतीक हमने बनाए हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं अल्फा श्रृंखला वाली, जो अल्फा श्रृंखला, अल्फा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला वाली जो प्रतिरक्षी है उसको बोलते हैं आईजीए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं ए नंबर की पॉली, एक नंबर की पॉली एंटी बॉडी, कौन सी? ए नंबर की, ठीक है। तो एक नंबर की एंटीबॉडी को हम बोलेंगे आईजीए। इसमें अल्फा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है, कौन सी वाली पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है इसमें? अल्फा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। तो अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती है, अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती है, और यह क्या है? एक तरह का डाइमर है, द्विलक संरचना है। यह है एक, देखो कुछ एंटीबॉडी तो एकलक वाली मिलेंगी और कुछ एंटीबॉडी डाइमर वाली भी मिलेंगी, तो यह है द्विलक संरचना है, डाइमर वाली संरचना है। दूसरी इसकी खास बात, पहली तो इसमें अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जा रही है, दूसरी यह किस संरचना है? यह द्विलक संरचना है, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि यह मां के दूध में भी पाई जाती है। जो नवजात शिशु होता है, नवजात शिशु को यह मां के दूध से यही प्राप्त होती है, और सब गंभीर बीमारियों से सुरक्षा करने का काम करती है। यह है मां के दूध में पाई जाती है तथा नवजात शिशु को, नवजात शिशु की जो इम्यून सिस्टम है उसको विकसित करने का काम करती है, या उसे हम क्या करती है, उसकी प्रतिरक्षा भी करती है। नवजात शिशु की प्रतिरक्षा हेतु उत्तरदायी है, यह इंपॉर्टेंट बात है यहां पर, ठीक है, कि जो मां के दूध में कौन सी इम्यूनोग्लोबिन पाई जाती है,
या कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है? तो मां के दूध में पाई जाने वाली एंटीबॉडी कौन सी है? आईजीए। अगली आती है आईजी जी। ये एकलक संरचना होती है, आईजी जी जो होती है वो एकलक संरचना है, ठीक है। और दूसरी टाइप की ये जो गामा ग्लोबुलिन है, यहां पर इस प्रकार की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला उसमें पाई जाती है। तो नंबर दो है आईजी जी, ठीक है, इसमें गामा श्रृंखला पाई जाती है। कौन सी श्रृंखला? गामा श्रृंखला। आईजी जी में कौन सी श्रृंखला पाई जाएगी? गामा श्रृंखला पाई जाएगी। और एकलक संरचना होती है, ये मोनोमर है, यह है एकलक संरचना है। अगला काम है, ये शरीर की मुख्य परिवहनी प्रतिरक्षी यही है, जो परिवहन के द्वारा, जो जैसे ब्लड के द्वारा या अन्य तरल जो पदार्थ है उनमें उपस्थित होती है। तो यह है शरीर की मुख्य परिवहनी प्रतिरक्षी है। मुख्य परिवहनी प्रतिरक्षी है। तथा कहां उपस्थित होगी? रक्त परिवहन होता है ना, तो रक्त व अन्य द्रव्यों में पाई जाती है, रक्त वाले द्रव्यों में उपस्थित होती है, ठीक है। अगली इसकी इंपॉर्टेंट बात, ये प्लेसेंटा को पार कर भ्रूण तक पहुंच जाती है, ये इंपॉर्टेंट बात है इसकी। प्लेसेंटा को कौन सी इम्यूनोग्लोबिन पार कर सकती है या कौन सी एंटीबॉडी पार कर सकती है? तो आईजीजी। ये सीरम में सर्वाधिक होती है, और अगली बात कि इसका उत्पादन आईजीएम के बाद में होता है। सबसे पहले आईजीएम बनती है, ठीक है, तो इसका उत्पादन आईजीएम के बाद होता है। सीरम में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होती है, सीरम में सर्वाधिक यही पाई जाती है, कौन सी? आईजीई, आईजीजी। अब देखिए आईजीजी, इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि ये प्लेसेंटा को पार करके भ्रूण तक पहुंच जाती है। प्लेसेंटा क्या होता है? अपरावी बोलते हैं, एक ऐसी संरचना होती है जो भ्रूण को मां के गर्भाशय के अंदर की दीवार से जोड़ने का काम करता है, ठीक है, उस संरचना को बोलते हैं हम प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के द्वारा भ्रूण मां के शरीर से जुड़ा रहता है, उसकी गर्भाशय की अंदर की दीवार से जुड़ा रहता है, जिससे वो भ्रूण पोषण प्राप्त करता है और उसकी जो अन्य क्रियाएं हैं, श्वसन, उत्सर्जन, जो अन्य उसके लिए आवश्यक क्रियाएं हैं, वो सारी क्रियाएं उस प्लेसेंटा के द्वारा संपन्न होती हैं। उससे श्वसन ले लेगा, गैसों को ले लेगा और उत्सर्जी पदार्थों को उनको उसके द्वारा मां के शरीर में डाल दिया जाएगा। तो ये सारे काम कौन करता है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा भ्रूण को उससे जोड़ने का काम रखेगा। अब ये जो आईजीजी है, ये आईजीजी की खास बात देखिए
कि ये प्लेसेंटा को प्लेसेंटा के द्वारा कहां तक पहुंच जाएगी, भ्रूण तक पहुंच जाएगी, और भ्रूण को प्रतिरक्षी तंत्र, भ्रूण के प्रतिरक्षी तंत्र को मजबूत करेगी। ठीक है, तो भ्रूण का प्रतिरक्षी तंत्र इससे मजबूत हो रहा है, होता होगा किससे, आईजीजी के द्वारा। अब इसके बाद हम अगले है आईजीएम, आईजीई और आईजीडी, हमारी तीन प्रकार की एंटीबॉडीज और बची हुई हैं। ठीक है, कौन कौन सी, आईजीएम, आईजीई और आईजीडी, वो ज्यादा नहीं है, उनमें छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। एक तो उसमें कौन सी किस प्रकार की श्रृंखला पाई जा रही है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला किस प्रकार की पाई जा रही है, एक तो ये बात है उसमें, और दूसरी बात है कि एकलक श्रृंखलाएं या मोनोमर है या डाइमर है किस प्रकार की है, दूसरी बात वो है। तो दो तो हमने आज देख ली और दोनों की खास बातें भी हमने देख ली, अब बची है हमारी तीन प्रकार की प्रतिरक्षी और आगे का चैप्टर, जिसको हम अगली क्लासेस में देखेंगे। नमस्कार।